देश ने कोरोना का ऐसा भयंकर काल देखा है जो जेहन में घुस गया है। जख्म अभी जिंदा है क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, लिहाजा कोरोना के केस घटते ही देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस अनलॉक को करते वक्त खतरे का अलार्म भी बजाया गया है। कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, मास्क पहनना भी जरूरी है। डर तीसरी लहर का है, खतरा टला नहीं है, जंग अभी चल रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अनलॉक होते ही लोग कोरोना को फिर से दावत देने पर आमादा हो रहे हैं। सड़कों पर, बाजारों में, शादियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। आम लोगों की बात तो बाद में करेंगे, पहले बात नेताजी की करते हैं, बीजेपी विधायक की करते हैं। शर्म उतार कर रख दी, कोरोना नियमों का जुलूस निकाल दिया। ऐसे लोग क्या रोल मॉडल बनेंगे, कैसे दूसरों को समझाएंगे जो खुद ही कोरोना काल में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और ये विधायक साहब मस्त नहीं जैसे मदमस्त हो गए हैं। डांस में ऐसे झूम रहे हैं, कंधों पर चढ़ चढ़ कर ठुमक रहे हैं और इनके चेले चपाटे बेशर्मी के इस डांस की वीडियो भी बना रहे हैं। जमीन से लेकर कंधों तक इन्हीं का जलवा है। बेटी की शादी और शादी की खुशी में ऐसे चूर हैं कि लॉकडाउन के नियमों को इन्होंने चकनाचूर कर दिया है। कैसा लॉकडाउन, कैसी पाबंदी, कैसा कोरोना, कैसा मास्क, कैसी सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में वैसे तो शादी में 25 लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन है, लेकिन ये विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, फिर ये कोरोना के नियमों और लॉकडाउन की पाबंदियों को हल्दी वाली धूल में उड़ा रहे हैं। जी हाँ, इनका नाम है महेश दादा लांगडे और दादागिरी बेटी की शादी में चल रही है। 6 जून को इनकी बेटी साक्षी की शादी है और उससे पहले रविवार को हल्दी की रस्म के दौरान उन्होंने कोरोना काल में लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा कर रख दी। न केवल इस दौरान इनके घर पर भारी भीड़ जुटी बल्कि किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। ये हाल तब था जब रविवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया था। रविवार को ही महाराष्ट्र में कोरोना के 18,600 नए केस सामने आए थे, 402 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी। सरकार हालात के बेहतर होने की उम्मीद पाले बैठी है, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने की कोशिशें हो रही हैं ताकि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सके। लेकिन महेश लांगड़े जैसे विधायक कोरोना की लगाम में पलीता लगा रहे हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और विधायक जी गले मिल मिलकर कंधों पर उछल उछल कर नाचते और ठुमकते हुए नजर आए तो पुलिस हरकत में आई। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में बीजेपी विधायक महेश लांगड़े समेत 60 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। इन सभी पर कर्फ्यू तोड़ने का केस भी दर्ज किया गया है। इस वीडियो में सिर्फ विधायक लांगड़े ही नहीं है, पिंपरी चिंचवाड़ महापालिका के अधिकारी सुनील बेलगांवकर भी कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन पर कोरोना के नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी है। जहां तक महेश लांगड़े की बात है तो वो पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्व कॉरपोरेटर रह चुके हैं। इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत एनसीपी से हुई थी। 2017 में वो एनसीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए। राजनीति में आने से पहले महेश लांगड़े को एक पहलवान के तौर पर जाना जाता था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या कायदे कानून सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर
पुलिस की लाठियां बरस जाती हैं। उठक बैठक कराने की तस्वीरें तो आम तौर पर नजर आती हैं। वहीं ऐसे शादी समारोह को पुलिस बीच में ही बंद करवा देती है। महाराष्ट्र में शादी को लेकर लॉकडाउन के नियमों की बात करें तो 25 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। इस नियम को तोड़ने वालों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं नियम तोड़ने वाली जगहों को सील कर दिया जाता है। क्या पुणे पुलिस बीजेपी विधायक के खिलाफ ये सारी कार्रवाई करेगी? लोग नियमों का पालन करें, इसके लिए आम और खास सभी के साथ एक जैसा बर्ताव जरूरी है। और तीसरी लहर को अगर रोकना है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। पंकज खेलकर, पुणे आज तक।